हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। और आप टीवीएस कंपनी की ये मोपेड खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, जिसको काफी जगह पे इसको बिक्की गाड़ी भी बोला जाता है। इसको खरीदने से पहले आपको इसके बारे में सारी बातें पता होना चाहिए, जैसे कि इसमें कौन कौन से वेरिएंट मिल जाते हैं, किस वेरिएंट में कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, क्या इसकी प्राइसिंग है, कितना भार इसमें उठाया जा सकता है। सारी जानकारी आपको एक वीडियो में देने वाले हैं, जिससे कि खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए आप कौन सा वेरिएंट खरीद सकते हैं, आपके बजट रेंज के अंदर कौन सी आएगी। तो एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंट की, तो इसमें टोटल 5 वेरिएंट मिल जाता है। यहाँ पे वेरिएंट भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहला जो मिल जाता है एक्सेल कंफर्ट मिलेगा, हैवी ड्यूटी मिलेगा, कंफर्ट आई टच स्टार्ट मिल जाएगा, हैवी ड्यूटी आई टच स्टार्ट मिल जाएगा, और लास्ट जो वेरिएंट है विन एडिशन मिल जाता है। तो इसमें से जो 3 वेरिएंट है वो हैवी ड्यूटी के साथ आती है, बाकी 2 जो वेरिएंट है वो कंफर्ट के साथ आती है, जिसमें एक सेल्फ स्टार्टर दिया गया है, एक में सेल्फ स्टार्टर नहीं दिया गया है। तो ये बेसिकली आपको वेरिएंट वाइज यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे जो बेस वेरिएंट आता है वो हैवी ड्यूटी का आता है, वो इसकी डिजाइनिंग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाता है और ये सेल्फ स्टार्ट के साथ नहीं आती है, बाकी इसमें ब्लैक पार्ट थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। अगर आप कंफर्ट वेरिएंट लेंगे इसमें भी आपको ब्लैक पार्ट थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, बाकी इसमें देख सकते हैं स्प्लिट सीट नहीं दिया गया है, सिंगल पीस सीट मिलती है। लेकिन वही अगर आप इसका कंफर्ट का आई टच स्टार्ट लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं प्रीमियम सीट मिल जाती है, प्रीमियम सीट की कलर देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ब्राउन मिल जाएगा और थोड़ा सा क्रोम पार्ट यहाँ पे ज्यादा मिल जाते हैं, कलर ग्राफिक्स थोड़ा सा अलग मिल जाता है। अगर आप हैवी ड्यूटी का लेते हैं आई टच स्टार्ट, इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा, स्प्लिट सीट इसमें भी दिया गया है, साइड में कुछ सामान टांगने के लिए मिल जाता है, ब्लैक पार्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन जो इसका टॉप मॉडल है, जो कि ये थोड़े से क्रोम पार्ट थोड़े से प्रीमियम पार्ट सभी का मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो वेरिएंट वाइज ये आपको डिजाइनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस केवल देखने को मिलेगा। सभी की डिजाइनिंग मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, 5 वेरिएंट के साथ मिलती है, लेकिन सभी में आपको अलग अलग कलर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप एक्सेल कंफर्ट लेते हैं तो इसमें आपको 2 का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रे ब्लैक और रेड ब्लैक देखने को मिल जाएगा। अगर आप हैवी ड्यूटी लेते हैं तो इसमें आपको ग्रीन ब्लैक और ब्लू, जो कि नया इसमें ऐड किया गया है, पहले ब्लू इसमें नहीं मिलता था, तो आपको 3 का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप एक्सेल 100 कंफर्ट में आई टच देते हैं तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन, सिल्क ब्लू स्पार्कलिंग सिल्वर और गोल्ड आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हैवी ड्यूटी में आई टच लेते हैं तो इसमें आपको 5 का ऑप्शन, ब्लैक ब्लू ग्रीन पर्पल और रेड देखने को मिल जाएगा। अगर आप विन एडिशन लेते हैं तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन, ब्राउन और डिलाइट ब्लू देखने को मिल जाता है। तो ये आपको अलग अलग वेरिएंट में कलर भी अलग अलग देखने को मिल जाती है। बाकी इसके इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको 99.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, जो कि लगभग 4.3 बीएचपी का पावर और 6.5 एनएम का टॉर्जन करती है। और इसमें आपको 2 वेरिएंट में केवल किक स्टार्टर मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी जो 3 वेरिएंट है उसमें आपको सेल्फ स्टार्ट किक स्टार्टर दोनों देखने को मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यानी कि जो भी वेरिएंट आई टच के साथ आती है तो वो सेल्फ स्टार्ट के साथ आपको मिलेगा, बाकी जिसमें आई टच नहीं दिया गया यानी कि उसमें केवल किक स्टार्टर मिलेगा। वही सस्पेंशन इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिल जाएगा, जहाँ पे रबर भी लगा हुआ है, और रियर के साइड स्विंग आर्म हाइड्रोलिक शॉक सस्पेंशन मिल जाता है। साथ ही इसमें देखेंगे तो फ्लोरबोर्ड पे आपको स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप कुछ सामान वगैरह आराम से रख सकते हैं। और अगर आप कंफर्ट वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको सिंगल पीस की सीट मिलेगी, जिसको आप सीट हटा नहीं सकते हैं। बाकी अगर आप हैवी ड्यूटी वेरिएंट लेंगे तो उसमें जो पीछे का सीट है उसको आप निकाल के कुछ सामान वहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कुछ लोग बिजनेस वगैरह करते हैं तो पीछे सीट हटाकर कुछ सामान वगैरह वहाँ पे बांध लेते हैं, तो वो काम आप कर सकते हैं केवल हैवी ड्यूटी वेरिएंट में। बाकी इसके फ्रंट और रियर में आपको 16 इंच के टायर्स मिलेंगे, ट्यूब टायर है, यहाँ पे स्पोक व्हील भी दिया गया है, जिसके फ्रंट और रियर में आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। वहीं कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें सेकंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, यानी कि एक ब्रेक लगाने से दोनों ब्रेक एक साथ काम करते हैं। इसमें आपको बेसिक सा एनालॉग मीटर मिल जाएगा, एनालॉग मीटर की डिजाइनिंग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीड और ऑटोमेटिक जानकारी मिल जाती है। बाकी सारे चीज यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है, फ्यूल जब कम होता है तो इंडिकेटर लाइट्स यहाँ पे एक जल जाता है। तो इसका ओवरऑल लुक देख सकते हैं। हैंडल बार्स पे जो स्विचेस दिए गए हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, हेडलैम्प हाई बीम लो बीम स्विच, हॉर्न भी दिया गया है, हॉर्न भी एक बार आप सुन सकते हैं। हॉर्न की अगर बात करें तो काफी लाउड हॉर्न भी इसमें सुनने को मिल जाती है। बाकी दूसरी साइड इसमें देखेंगे तो यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर दिया गया है, जो रेड कलर की बटन है इस पर आप दबाकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी जो साउंड क्या है वो थोड़ा सा आप यहाँ पे सुन सकते हैं, बाकी आप इसका साउंड एक बार और भी सुन सकते हैं, तो ऐसे कुछ साउंड करती है। बाकी इसको स्टार्ट करने का वही सिंपल सा तरीका है, आपको ब्रेक दबाकर इसको स्टार्ट करना होता है, नहीं तो अगर ब्रेक दबाकर स्टार्ट नहीं करेंगे तो स्टार्ट नहीं होता है। जैसे स्कूटी स्टार्ट होती है सेम वैसे ये भी स्टार्ट होती है, क्योंकि इसमें भी कोई गियर वगैरह नहीं होता है, केवल आप थ्रोटल देंगे यानी केवल एक्सेलेटर देंगे और चलती जाएगी। बाकी इसमें आपको रोल ओवर सेंसर मिल जाता है, यानी कि अगर आपका ये मोपेड गिर जाता है तो 3 सेकंड के अंदर आपकी इंजन बंद हो जाएगी, जिससे कि थोड़ा सा सेफ्टी बना रहे। साथ इसमें आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों मिल जाएगा, साइड स्टैंड सेंसर भी इसमें दिया गया है। वहीं इसमें मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, लेकिन केवल कुछ वेरिएंट में आपको मिलेगा। इसके अलावा इसकी जो हेडलैम्प है वो राउंड शेप की मिल जाती है, हैलोजन लाइट लगा हुआ है, लेकिन इसके जो DRS है वो यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस डिजाइनिंग के साथ आपको इसकी DRS मिल जाती है। बाकी वही बात आती है क्या इसमें माइलेज आपको देखने को मिलेगा, तो कंपनी क्लेम करती है आराम से इसमें 60 का माइलेज मिल जाती है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो 60 किलोमीटर आराम से चला सकते हैं।
वहीं इसके कुछ डायमेंशंस की बात कर लें तो इसकी जो सीट की हाइट है वो आपको 780 mm तक देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 4 लीटर दी गई है और इसमें आप 1.25 लीटर रिजर्व में भी पेट्रोल रख सकते हैं। बाकी इसका जो वेट है मात्र 86 केजी है, 86 केजी इसका बस भार है, तो जो लोग भारी बाइक नहीं चला सकते उनके लिए ये मोपेड काफी अच्छी रहेगी। बाकी पेलोड कैपेसिटी 130 केजी तक है, यानी कि इस मोपेड यानी कि बिक्की गाड़ी पर आप 130 केजी का भार उठा सकते हैं, उससे भी ज्यादा लोग उठा लेते हैं, आराम से चली जाती है। बाकी मेन बात आती है कि इसकी प्राइसिंग आपको क्या देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ओवरऑल जितने भी वेरिएंट था, जो जो कलर ऑप्शन थे, जो फीचर्स थे, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। प्राइस की बात आती है तो इसमें आपको 5 वेरिएंट मिल जाता है, सभी का अलग अलग प्राइसिंग है। सबसे जो बेस वेरिएंट है उसका एक्स रूम उत्तर प्रदेश में प्राइस, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्राइस इसकी थोड़ी सी कम है बाकी अन्य स्टेट के मुकाबले में, हैवी ड्यूटी के साथ 39,990 यानी 39,990 रुपए तक है और इसकी ऑन रोड प्राइस 52,231 रुपए तक चली जाती है। अगर आप कंफर्ट के साथ लेंगे तो 47,455 यानी 47,455 रुपए तक इसकी प्राइस है और ऑन रोड प्राइस 60,046 रुपए तक चली जाती है। और अब हैवी ड्यूटी के साथ आईटॉच लेते हैं, यानी कि अगर आपको सेल्फ स्टार्टर भी चाहिए हैवी ड्यूटी में तो 56,623 रुपए तक एक्सम प्राइस है और इसकी ऑन रोड प्राइस 72,046 रुपए तक चली जाती है। अगर आप कंफर्ट में आईटॉच लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये वेरिएंट 58,923 रुपए तक एक्सम प्राइस मिलेगी, लेकिन ऑन रोड प्राइस 74,540 रुपए तक चली जाती है। लेकिन वही अगर आप हैवी ड्यूटी में विन एडिशन लेते हैं जो सबसे महंगी है, उसकी एक्सम प्राइस 59,165 यानी कि 59,165 रुपए तक है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 75,753 रुपए तक चली जाती है। तो सभी वेरिएंट का प्राइस मैंने यहाँ पे बता दिया है, अब आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो ऐसे में बिना सेल्फ स्टार्ट वाला वेरिएंट ले सकते हैं, जो सबसे बेस्ट वेरिएंट आता है हैवी ड्यूटी का, वो लगभग आपको 53,000 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको किक स्टार्टर क्यों मिलेगा, आपको किक स्टार्ट के साथ स्टार्ट करना होगा, सेल्फ स्टार्ट उसमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको सेल्फ स्टार्ट भी चाहिए तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको 72,000-73,000 रुपये तक खर्च करना पड़ जाएगा हैवी ड्यूटी के लिए। बाकी कंफर्ट का इससे भी और थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा, यानी कि ओवरऑल जितने भी डिफरेंस है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ साल पहले तक ये जो मोपेड आती थी, जो बिक्की गाड़ी आती थी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी सस्ती मिलती थी, लेकिन जैसे इसमें नए नए फीचर्स दिए गए, थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ, तो कहीं ना कहीं इसकी जो प्राइसिंग है पहले से काफी बढ़ चुकी है। तो इस समय अगर आप खरीदने के लिए सोच रहे होंगे 2024 में, तो ये आपको प्राइसिंग देना होगा टीवीएस कंपनी एक्सेल 100 खरीदने के लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो मैंने आपको हर एक बार डिटेल बता दी है, फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी कुछ अलग से एक्सेसरीज वगैरह भी लगवाते हैं तो हो सकता है कि इसमें आपको पैसे थोड़ा सा और भी ज्यादा देने पड़े। बाकी जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वहीं अगर आप टीवीएस कंपनी के एक्सेल जो कंफर्ट वेरिएंट है, जो आई टच के साथ आती है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड अलग से रिव्यू वीडियो बनाया है, जहाँ पे आप एक एक चीज जाके देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या प्राइसिंग है। प्राइसिंग तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, बाकी डिटेल में आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, एक एक पॉइंट पे यहाँ पे अलग से मैंने वीडियो बनाया, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में तो मैंने आपको सभी वेरिएंट के बारे में डिटेल जानकारी दे दिया है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ चीज आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको स्कूटर बाइक्स वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में हो या फिर पेट्रोल सेगमेंट में हो, सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में सबसे पहले वहाँ पे जानकारी देता हूँ, उसके बाद ही आपको यूट्यूब पे यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलता है जो भी लेटेस्ट मॉडल लॉन्च होते हैं। तो इंस्टाग्राम पे पहले आपको अपडेट मिल जाती है, उसके बाद यूट्यूब वीडियो आता है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप मिनट जगमोहन भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में फायदा ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।